आज हम एक गुरुकुल में हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। मैं जब लोगों से पूछता हूं कि इसका आपके पास में ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो वहां पर जीरो है। अगर मैं उनसे पूछता हूं कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए आपको गुरुकुल जाना चाहिए या फिर प्रोफेसर कुल जाना चाहिए। गुरुकुल जहां पर गुरु का कुल होता है, जहां पर गुरु अपने शिष्यों के साथ में अध्ययन और स्वाध्याय करते हैं, उन बच्चों को तैयार करते हैं एक विश्व गुरु भारत बनाने हेतु। लेकिन प्रोफेसर कुल जहां पर मैकॉले शिक्षा पद्धति चलती है और जहां पर वो शिक्षा पद्धति जिसने की भारतवर्ष को गुलाम बनाए रखने हेतु एक पूरा का पूरा सिलेबस बनाया। आज हम लोग चाहते हैं कि हम प्रोफेसर्स की पढ़ाई तो पढ़ें, मैकॉले शिक्षा पद्धति को पढ़ते रहें, लेकिन हमारा सपना है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। मेरी अपील भी है आप सभी लोगों से कि अगर आप वास्तव में, किन्हीं दोगले शब्दों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में सच्चे अर्थों में विश्व गुरु भारत चाहते हैं, तो इन गुरुकुलों को आकर के सपोर्ट जरूर कीजिए। गुरुकुलों की आवश्यकता दो संदर्भ में है। एक जो प्रचलित संदर्भ है वो यह है कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारतीय इतिहास भी हम ले सकते हैं, तो भारत जो कि संसार का सबसे प्राचीनतम देश है, तो प्राचीनता ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो उस प्राचीन भारत का इतिहास क्या था, संस्कृति क्या थी, सभ्यता क्या थी, साहित्य क्या था, उसको जानने और समझने और समझाने का जितना उचित माध्यम गुरुकुल है उतना कोई है नहीं। कि गुरुकुलों का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्राथमिकता उस ग्रंथों को दी जाती है, उन ग्रंथों को जो प्राचीन भारत को प्रतिबिंबित करते हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास को, प्राचीन भारत के साहित्य को। तो ये जानने से हमारे सबको लाभ होगा। यदि प्राचीन भारत में कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को हम दूर करेंगे, यदि जो अच्छाइयां हैं तो उन अच्छाइयों को हम लाएंगे। एक तो ये गुरुकुल का आवश्यकता इस मायने में है कि प्राचीन भारत को समझने के लिए गुरुकुल से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। दूसरा जो कारण है आज के युग में गुरुकुलों की होने की, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा केवल व्यावसायिक होती जा रही है। यदि शिक्षा व्यावसायिक इस मामले में हो कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो उस पढ़ करके व्यवसाय उनका बन जाए, तब तो ठीक है। वो शिक्षा का व्यावसायीकरण का प्रयोग मैं इस अर्थ में कर रहा हूं कि जो शिक्षा से जुड़े हुए जो और लोग हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई जो मैनेजमेंट है, वो सब घोर व्यापार में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य केवल पैसा और केवल पैसा कमाना है। तो भारत जैसे गरीब देश में, जहां की 80% आबादी आज शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है हायर एजुकेशन में, उस हायर एजुकेशन के व्यय को देश की 80% जनता तो वहन नहीं कर सकती। तो ऐसे स्थिति में देश में समता का, बंधुता का और बराबरी का जो प्रश्न है वो तो अनुत्तरित रह जाएगा। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये मानता हूं कि उसमें चाहे राजा का लड़का हो, चाहे रंग का लड़का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, एक जैसा भोजन है, एक जैसा वस्त्र है, एक जैसा आवास है, एक जैसा पाठ्यक्रम है। मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूं। गुरुकुल में पढ़ते समय मैं जानता ही नहीं था कि मेरे साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जाति के हैं। आज देश में जो सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूं, जो सबसे बड़ी समस्या है, जातिवाद और सांप्रदायिकता। और जातिवाद आज के स्कूलों से और पनपता है। बड़े बड़े स्कूल के जो लीडर है, छात्र लीडर हो चाहे अध्यापक नेता हो, वो स्वयं जातिवाद को पोषण देते हैं। व्यक्तिगत जीवन में और अपने आसपास के जीवन में जातिवाद को पुष्टि में लगे रहते हैं। तो गैर बराबरी कैसे दूर हो सकती है? आज की कॉन्वेंट एजुकेशन या आज का पब्लिक एजुकेशन या आज की हम कहते हैं गवर्नमेंट का भी एजुकेशन बहुत मामले में सफल नहीं है, क्योंकि वहां भी फीस है, वहां भी फीस की कई श्रृंखलाएं हैं। तो इसलिए गुरुकुल व्यवस्था इस मायने में ही होनी जरूरी है कि एक समान वस्त्र, एक समान भोजन, एक समान सामाजिक जीवन, एक जैसी शिक्षा, एक जैसा पाठ्यक्रम, तो अमीरी गरीबी का भेद मिटेगा, गरीबों के साथ उनकी समता बढ़ेगी। परिश्रम करना सिखाया जाता है गुरुकुल में, तो परिश्रम से भागेंगे नहीं, ईमानदारी सिखाई जाती है, नैतिक मूल्यों के लिए लड़ पड़ेंगे, नैतिक मूल्यों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो ये सब कई दृष्टियों से
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। मैंने संक्षेप में ये दो बातें रखी है, ये दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी और इसका कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बात एक और भी है कि जो आरक्षण की बात कही जाती है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरक्षण के विरोध में बोलना या आरक्षण के समर्थन में बोलना दोनों गलत है, क्योंकि दोनों की कुछ न कुछ कमियां हैं, दोनों की कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। जो आरक्षण के समर्थक हैं वो आरक्षण के पक्ष में उनकी तर्क हैं, दलीलें हैं, वो उसको आप नकार नहीं सकते, और जो आरक्षण के विरोधी हैं उनके भी तर्क हैं, उनकी भी दलीलें हैं, उसको भी कोई नकार नहीं सकता। तो आरक्षण का विकल्प गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो सकती है, जब सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी, एक समान व्यवस्था दी जाएगी, एक समान वातावरण दिया जाएगा, तो फिर मेरिट बेसिस पर कोई बात नहीं है। मेरिट बेसिस कैसे हो सकती है जब गुरुकुल नहीं होंगे? बिना गुरुकुल के मेरिट व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि एक कमजोर घोड़े को मजबूत घोड़े के साथ बराबर नहीं दौड़ा सकते। एक वो है जिसको सुविधा नहीं है, कोई शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिल रही, अरे को खूब सुविधा है, और फिर कहो दोनों बराबर दौड़ो। तो इस तीसरी समस्या का भी हल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। जो आरक्षण जिसके कारण देश में बंटवारा होता है, सामाजिक बंटवारा होता है, युवाओं में एक प्रकार से प्रोपेगेंडा होता है, एक गुटबाजी बढ़ती है, तो इन तीनों समस्याओं का सही निदान पाठ्यक्रम तो अपनी जगह रहा, लेकिन गुरुकुल का जो परिवेश है, गुरुकुल का जो पर्यावरण है, गुरुकुल की जो कॉन्सेप्ट है, गुरुकुल की जो विचारधारा है, वो इन चीजों से, इन तीनों चीजों का समाधान निकलता है। ये हमारे देश की ब्रह्मचारिणी सेनानी जिन्होंने संकल्प किया है, तो अब यहाँ से शिष्ट यात्रा प्रारंभ होगी। 6 ब्रह्मचारिणियां अपने गुरुजनों के साथ यहाँ से मंच की ओर बढ़ाएगी, संकल्प लेने के लिए, नया विचार लेने के लिए, कार्य क्षेत्र में अवतरित होने के लिए। तो निवेदन करूंगा मैं कि जितने भी उनके गुरुजन है, संदेश स्वामी जी है, विद्युत वर्ग है, वो उनके साथ प्रस्थान करेगा, मंच की ओर आएंगे। Bye.
बहुत जरूरी है। किस संस्था ने कितना काम किया, कितनी छात्राएं यहाँ से निकलकर बाहर कार्य कर रही हैं, तो उसका अवलोकन करना भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ यहाँ से मुझे संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन इन सालों में बहुत संख्यक छात्राएं पढ़कर यहाँ से और क्षेत्र में कार्य कर रही है पूरे देश के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर हजार हजार लोगों को गाइड करो, बच्चियों को गुरुकुल में भेजो ताकि बच्चियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो ये एक इनके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारा प्रचार का काम भी आगे बढ़ेगा। तो मैं लिखना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आचार्य बहन का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने थोड़ा मुझे मौका दिया और मैंने यहाँ पर आकर के बहुत आनंद की अनुभूति की। मैं थोड़े समय के लिए आया था लेकिन मुझको लगा कि बच्चे अपना अपना स्पीच दे रहे थे, कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा इनको सुनते जाओ सुनते जाओ, ऋषि के वाक्यों को कुछ ना कुछ अपने शब्दों में वो व्याख्यान के रूप में हमें दे रहे थे, तो बहुत ही अच्छा सभी छात्राओं ने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया। मैं चाहूंगा आप ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ें और हमारी शुभकामना आप सभी के साथ है। ओम शांति। Oh.
एभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं दृष्टस्तं ओदं हेयन्मः ध्रुवाय विष्णुरधिपतिः कल्मा च देवो रक्षिता तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं दृष्टस्तं ओजं हेयन्मः ऊर्ध्वाय बृहस्पतिरधिपतिः शुक्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो आज विश्व में धर्म के नाम पर न जाने कितने ही दंगे हो रहे हैं और धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। और आप ही देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, न जाने कितने ही ऐसे देश हैं जिसमें धर्म के नाम पर इतने दंगे हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, मासूम लोगों को इस तरह मारा जाता है धर्म के नाम पर जैसे कोई कचरा हो, जिसका कोई महत्व ना हो। हर इंसान के अपने जीने का, हर कोई अपना खुद का महत्व रखता है और अपना अधिकार रखता है जीने का, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। इसलिए धर्म को मानना बिल्कुल भी योग्य नहीं, मुझे नहीं लगता है धर्म को मानना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि धर्म को मानना जरूरी नहीं है, धर्म के बिना भी जीवन चल सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। देखिए, धर्म वह है जो हमारा, जैसे आप अग्नि को ले लीजिए, अग्नि का धर्म है दाहकता, अर्थात अग्नि में वह गुण नहीं रहेगा तो अग्नि अग्नि ही नहीं रहेगी। अग्नि में यदि उसका धर्म नहीं तो वह अग्नि नहीं। जैसे आप मनुष्य में बात कर रही थी तो मैं मनुष्य की बात पर आती हूँ, क्या बोल रही हैं, तो मनुष्य में मनुष्यता उसका धर्म है। धर्म ये नहीं है कि वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं कि आप धर्म ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसके नाम पर इतनी मार काट हो। धर्म मात्र मानवता है मनुष्य में। धर्म मानवता किसे कह सकते हैं? आत्मना प्रतिकूलानी परेशामना समाचरित, अर्थात जिस प्रकार हम अपने से चाहते हैं कि सब हमारे साथ जैसा व्यवहार करें वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, तो ये मनुष्य का धर्म है। और यदि हम इसे नहीं इसे हम जीवन में अपने नहीं धारण करते तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा। अर्थात आप जैसे आप कह रही थी कि आप धर्म को अपने व्यवहार से निकाल देना चाहती हैं, तो फिर आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहेंगी। और जो धर्म को अपने व्यवहार से निकाल देता है वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस, आप उसे राक्षस ही कह सकते हैं, क्योंकि पशु भी कहेंगे तो वो उसकी चार टांगे वैसी भी नहीं है, पूछ भी नहीं है, तो आप उसे राक्षस ही कह सकती हैं बस। तो जिसके व्यवहार में और जिसके जीवन में धर्म नहीं वह पशु है। अहो अमृत खाना आगम्यता आगम्यता।
अजय जी, गुरुकुल की स्थापना कब हुई और आपने किस उद्देश्य को लेकर गुरुकुल की स्थापना हुई आपने की, आप बताएं। गुरुकुल की स्थापना 14 जुलाई सन 1996 में नजीबाबाद के आर्य समाज आदर्श नगर में हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य यही है कि हम वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देश में किस प्रकार कर सकें। संस्कृति एक ही होती है जो कि वैदिक संस्कृति है। सभ्यताएं भले ही पृथक पृथक हो जाएं, लेकिन संस्कृति सर्वदा एक होती है और उस संस्कृति का प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है। जैसे सत्य बोलना यह संस्कृति है, किसी की हिंसा न करना यह संस्कृति है और सबके प्रति दया भाव रखना यह संस्कृति है। तो ये संस्कृति, ये संस्कार आधुनिक जो विद्यालय खोले गए हैं उन सब में बालकों को नहीं प्राप्त होते, और होते भी हैं तो बहुत थोड़े अंश में वो उसको स्वीकार पूरी तरह से नहीं कर पाते। लेकिन गुरुकुल में जब बालक निरंतर गुरु के पास रहता है तो उसके संरक्षण में रहते रहते विद्या के साथ साथ ये सारे संस्कार भी उसके अंदर पनपते हैं, प्रारंभ होते हैं, और जिससे कि वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। और जैसा कि कहा, राष्ट्रदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव आदि ये सारी बातें बालक के अंदर स्वतः आ जाया करती हैं, उसको पृथक रूप से कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही वैदिक संस्कृति का एक विस्तृत परिचय है और ये इसी परिचय को दिलाने के लिए, इसी का विस्तार करने के लिए गुरुकुलों की आवश्यकता होती है। गुरुकुल की जो प्रतिदिन की दिनचर्या है या फिर क्या आपका जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से है, किस तरह से उसको संरक्षण, ऋषियों की संस्कृति को किस तरह से आप संरक्षण कर रहे हैं जी, इसके विषय में आप देखिए। गुरुकुल में मुख्य रूप से तो वेद और वेदांग पढ़ाए जाते हैं। जब बच्चा गुरुकुल में आता है या बालिका गुरुकुल में आती है तो उसको निर्देश दिया जाता है कि सारी तुम्हारी तपस्या वेद के अध्ययन के लिए है, और वेद को पढ़ने के लिए पहले वेदांगों का अध्ययन करना होगा। वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये आते हैं, और इसमें शिक्षा अर्थात वर्णोच्चारण शिक्षा, किस वर्ण का किस स्थान से किस प्रयत्न से उच्चारण करना चाहिए ये बालकों को सिखाया जाता है, और इसके आधार पर बच्चे की वाणी शुद्ध होती है, उसका मंत्र पाठ शुद्ध होता है, उसके स्वर में परिष्कृतता आती है। तो फल ये होता है कि वह वेद को अच्छी प्रकार पढ़ने लग जाता है, कुछ कुछ समझने लग जाता है। फिर व्याकरण है, व्याकरण सबसे मुख्य माना गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण मुख के समान है। जैसे हमारे पूरे शरीर में मुख की प्रधानता है, मनुष्य का कोई भी अंग विकृत हो जाए, हाथ में कोई बात हो जाए, पैर में कोई समस्या आ जाए, तो भी यदि ऊपर का भाग ठीक है तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक इसी प्रकार व्याकरण को समझना चाहिए, इसीलिए ऋषियों ने कहा मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण का जो मुख्य ग्रंथ है वो इस समय अष्टाध्यायी है। यद्यपि व्याकरण के बहुत ग्रंथ थे, 8 व्याकरण के ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन जो मुख्य है, सबसे प्रधान है, या कहिए कि जो अपनी विशेषताओं के कारण, संघर्ष करने के कारण आज तक जीवित रह रहा है, जिसके पाठ्यक्रम आजकल सर्वत्र गुरुकुलों में चल रहे हैं, वह विशेष रूप से पाणिनीय व्याकरण है। पाणिनी की अष्टाध्यायी पर आधारित व्याकरण गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए। फिर उसकी काशिका, उसकी प्रथमावृत्ति उसके पहले, और फिर काशिका, और उसके बाद महाभाष्य। तो ये व्याकरण का पूरा अध्ययन कराया जाता है प्रारंभ से लेके अंत तक।
फिर आगे निरुक्त छंद ज्योतिष इत्यादि जो का अंग हैं उनको पढ़ाया जाता है। उससे व्यक्ति वेद के निकट पहुंचता है, वेद के तात्पर्य को समझने के लिए वह सक्षम होता है। तो ये सब विद्या बड़ी तपस्या के पश्चात आती है और ऐसी तपस्या केवल केवल गुरुकुलों में ही संभव है, घर में रहकर के ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता। हाँ जी, इसके अतिरिक्त बालिकाओं के चौमुखी विकास के लिए हम अन्य कार्य भी करते हैं, अर्थात जो आधुनिक पाठ्यक्रम के रूप में माने जाते हैं कि इंग्लिश भाषा का अध्ययन कराया जाए उसका भी हम अध्ययन कराते हैं, मैथ अर्थात गणित भी पढ़ाते हैं और इसी प्रकार विज्ञान भी पढ़ाते हैं, बच्चों को कंठ संगीत वाद्य संगीत भी सिखाते हैं, बच्चों का शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए व्यायाम प्राणायाम आदि भी हम सिखाते हैं, ताइक्वांडो जो एक बहुत ही अच्छी एक राष्ट्रीय गेम के रूप में है इसको हम लोग सिखाते हैं, और अन्य भी जो लाठी भाला तलवार इत्यादि जो भी शस्त्र अस्त्र हैं उनका भी हम विधिवत संचालन सिखाते हैं, जिससे कि बालक जो है तन मन शरीर है ना, मन से शरीर से और सबसे स्वस्थ रहे और स्वस्थ होकर के अपने जीवन में उत्साह से कार्य कर सके। आज ही कन्याएं ताइक्वांडो का प्रशिक्षण बहुत वर्षों से प्राप्त कर रही हैं और उन वर्षों में जो उनके साथ प्रयत्न किया गया विधिवत प्रशिक्षण दिया गया उसके परिणाम स्वरूप 25 कन्याएं अब तक हमारी ब्लैक बेल्ट हो चुकी हैं। और एक दो कन्याएं बाहर प्रशिक्षण भी दे रही हैं अन्य संस्थाओं में अन्य विद्यालयों में, और इसके अतिरिक्त सैकड़ों गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं, रजत पदक प्राप्त कर चुकी हैं। अभी अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जनपदों का एक खेल हुआ था नजीबाबाद में ही, उसमें हमारी कन्याएँ 13 गोल्ड लेकर के आईं, तो ये अपने आप में बहुत हर्ष का समाचार है क्योंकि इतने गोल्ड कोई अन्य संस्था नहीं ले गई। तो इस प्रकार ताइक्वांडो में कन्याएं हमारी बहुत रुचि ले रही हैं और ये आवश्यक भी है प्रत्येक कन्या के लिए, ऐसा मैं समझती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में रही उन्नति की बात, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी लगभग 15 कन्याओं ने GRF कर लिया है, 20 कन्याओं ने नेट कर लिया है और अनेक कन्याएँ BEd MEd आदि करके बहुत आगे बढ़ रही है, PhD भी कर चुकी है, लगभग 10 कन्याओं ने PhD भी कर ली है और नेट GRF करने के पश्चात बहुत सारी कन्याएं सर्विस में लग चुकी हैं। इस समय हमारी एक कन्या इधर कांगड़ा हिमाचल में असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर प्रतिज्ञा, और डॉक्टर विदुषी बोल्ला ये वहाँ पर सोमनाथ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। 4-5 कन्याएं PGT में नियुक्त हो चुकी हैं, अनेक कन्याएं TGT में नियुक्त हो चुकी हैं और कई
सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। इस प्रकार ये सारी स्थिति बड़ी संतोषजनक है। ये कार्य भी हमारे यहाँ अच्छी प्रकार हो रहा है। रहती बात सामाजिक क्षेत्र की, शैक्षणिक क्षेत्र तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें हमारा विशेष बच्चों के लिए संदेश रहता है कि आप समाज में कार्य जरूर करें। आप बहुत अधिक बुद्धिमती ना हो, बहुत अधिक समर्थ ना हो, बहुत अधिक विदुषी ना हो, लेकिन यदि आपने समाज के लिए कुछ किया है तो समझो आप बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। क्योंकि समाज में बहुत अंधकार है, कोई अंधविश्वास में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कुछ पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, भक्ति क्या होती है, परमात्मा की पूजा कैसे करी जाए, कोई गंगा माता को फेरी चढ़ा रहा है, कोई देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ है। अरे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी पूजा इस प्रकार से नहीं की जा सकती जैसे कि आज हो रही है, इसे बताने की आवश्यकता है। जब तक प्रकाश नहीं होता तो अंधकार रहता ही रहता है, और प्रकाश करना चाहिए। प्रकाश एक दीपक भी कर सकता है, तो दीपक बन करके ही सही प्रकाश किया जाए। तो मैं कन्याओं को कहती हूँ, और उसके फलस्वरूप हमारी बहुत सारी कन्याएं इस क्षेत्र में भी सफलता से कार्य कर रही हैं। तद्यथा आचार्य डॉक्टर कल्पना इस समय विशेष हिंदुओं के जागरण में लगी हुई हैं। डॉक्टर आयुषी राणा भी इस क्षेत्र में इन्हीं के साथ हैं, और श्रीमती सुलभा शास्त्री, श्रीमती अपनी प्रतिज्ञा, और श्रीमती सुशीला जी, श्रीमती आप जो हैं, ये सब अनेक कन्याएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में लगी हुई हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे पास इस प्रकार की सूचनाएं आती रहती हैं तो हमें बड़ा हर्ष होता है कि हमारी बेटियां हमारी इस आज्ञा का पालन कर रही हैं। जी की जो दिनचर्या है, हाँ, जिससे निर्माण होता है आपकी कन्याओं का, आप उसके विषय में? देखिए गुरुकुलों में दिनचर्या का ही विशेष महत्व है। जो बालक या जो बालिका इस दिनचर्या में अपने को ढाल लेता है, ढाल लेती है, उसका जीवन का बहुत कुछ निर्माण हो जाता है। और गुरुकुलों की दिनचर्या बड़ी कठिन होती है, कठोर होती है। बहुत से लोग इसीलिए अपने बच्चों को गुरुकुलों में नहीं भेजना चाहते कि हमने तो बड़े लाड़ प्यार से बच्चे को पाला, कैसे वो 4 बजे उठेगा, कैसे वो अपना कार्य करेगा, इसलिए गुरुकुलों में ना भेजो। लेकिन उन सब माता पिता को मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपने बच्चे को इस प्रकार के कठोर अनुशासन में नहीं डालेंगे तो बच्चा जो है बिगड़ सकता है, आगे उसमें अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप उसको तपस्या करने दीजिए, और तपस्या विन्दते मत, तपस्या से ही मान फल की प्राप्ति होती है। आप साधारण लोगों की तो बात छोड़िए, पहले तो राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे। योगिराज श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़े, आज अपने भगवान श्री रामचंद्र गुरुकुल में पढ़े, चारों भाई गुरुकुल से पढ़ करके आए आदि आदि। तो ये क्यों था? ये इसीलिए था कि बच्चों का जीवन तपोमय होना चाहिए। बिना तपस्या के व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। और सबसे पहली तपस्या है प्रातः काल उठने की, प्रातः जागरण की। जो सवेरे जाग गया मानो उसका पूरा दिन ठीक है। तो प्रातः काल जागरण करना चाहिए। और हम लोग यथासमय गुरुकुल में गर्मियों में 4 बजे और सर्दियों में 4:30 या 5 बजे घंटी बजाते हैं। उसके साथ कन्याएं उठती हैं, प्रातःकालीन मंत्र पाठ करती हैं, प्रार्थना करती हैं, और प्रार्थना के बाद अपनी दिनचर्या में लग जाती हैं। दिनचर्या के बाद जहाँ जिसकी स्वच्छता हो वहाँ उसे स्वच्छता की, और स्नान आदि करके फिर यज्ञशाला में पहुँचती हैं। यज्ञशाला में पहुँचने से पहले व्यायाम भी बच्चों को कराया जाता है, प्राणायाम भी कराया जाता है। ये बहुत आवश्यक कर्म है, इसके बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। आप चरक सुश्रुत को पढ़ें तो वहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता उसको भोजन करने का अधिकार नहीं है। अर्थात भोजन तभी सुपाच्य हो सकता है जब वो व्यायाम करे। तो व्यायाम का जो अभ्यास है वो अवश्य करना चाहिए। तो हम लोग व्यायाम भी कराते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, और उसके पश्चात संध्या यज्ञ प्रारंभ होता है। संध्या यज्ञ के पश्चात प्रातराश करते हैं बच्चे, और प्रातराश के बाद उनका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। ठीक 10 बजे से अध्ययन के लिए बच्चे अपने कमरे से निकल जाते हैं, उनकी कक्षाएं प्रारंभ होती हैं। 1 बजे तक वे इन कक्षाओं में अष्टाध्यायी याद करते हैं, व्यवहार भानु पढ़ते हैं, उसके श्लोक याद करते हैं, आयुर्वेद शतमाला याद करते हैं,
और बहुत छोटे छोटे सुभाषित याद करते हैं और उसके पश्चात अष्टाध्यायी का स्मरण और उनके जैसे जिसकी कक्षा होती है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं और अन्य कक्षाएं भी लगती है गणित अंग्रेजी आदि की। 1 बजे तक इस प्रकार का अध्ययन होता है और फिर भोजन के पश्चात 2:30 बजे से फिर अन्य कक्षाएं प्रारंभ होती है व्याकरण आदि की और यह पाठ्यक्रम सायंकालीन संध्या यज्ञ से पहले तक चलता रहता है। सायंकाल होते ही फिर संध्या होती है, फिर यज्ञ होता है और फिर स्वाध्याय करते हैं और रात्रिकालीन भोजन और स्वाध्याय के पश्चात फिर सभी मंत्र पाठ करके शयनकालीन मंत्रों का पाठ करके विश्राम करते हैं। तो ये हमारी संक्षेप में दिनचर्या है। आपका बहुत बहुत